हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन वंडर्स। आज का हमारा रेसिपी है कॉर्न पकौड़ा। ये जो स्वीट कॉर्न से बनता है वो है एकदम स्पाइसी, क्रिस्पी, क्रंची, मस्त पकौड़ा है ये। तो ये कॉर्न पकौड़ा कितना टेस्टी है, उतना आसान है बनाना। ये तो लोनावाला में ना बहुत फेमस है, हर गली में मिलता है ये कॉर्न पकौड़ा। ऐसा वाला रेसिपी माय किचन वंडर्स में होना ही है ना। चलिए अब देखते हैं स्वीट कॉर्न पकौड़ा लोनावाला स्टाइल में कैसे बनाता है। बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके लिए हमको लेना है 2 कटोरी भर के स्वीट कॉर्न, उबला हुआ लिया है, 2 प्याज स्लाइसेस में काट के ले लिया है, और 3-4 हरे मिर्चे छोटे टुकड़ों में काटा है और 3 स्लिट करके रखे हैं, और 1/2 कप बेसन लिया है, ये बाइंडिंग के लिए है, और 1/4 कप चावल का आटा लिया है, इसके बहुत क्रिस्पी बनता है, और स्पाइसी के लिए लाल चिल्ली पाउडर भी लिया है हमने, उसके अलावा नमक स्वाद अनुसार लेंगे। तो अच्छे से रंग आने के लिए और हेल्थ के लिए हल्दी तो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा हमको, और बेकिंग सोडा ये ऑप्शनल है पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और कॉर्न पकौड़ा तलने के लिए तेल तो भाई चाहिए ना। और अभी हमको करना क्या है, 1/2 कप जितना हम लोग उबले हुए स्वीट कॉर्न को मिक्सी में दरदरा पीसेंगे, इससे बाइंडिंग भी बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। ये देख, हमने ऐसा पीस लिया है 1/2 कप जितना स्वीट कॉर्न, और एक बाउल में ले लेंगे उसको, बेसन, चावल के आटा, लाल मिर्ची पाउडर, हरे मिर्चे, हल्दी, नमक, ये सभी डाल के हमको इसको अच्छे से मिलाना है। उसमें हम लोग प्याज भी डाल देंगे और उबले हुए स्वीट कॉर्न बचा हुआ वो भी डाल देंगे। इन सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार हम लोग मिलाएंगे। इसको हाथ से मिलाने से ना अच्छा सा बाइंडिंग होता है, क्योंकि इसमें से प्याज से जो पानी छूटता है ना उससे कंप्लीट बाइंडिंग हो जाता है। अभी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसके ऊपर 1 या 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमको। देखिए, बस अभी इसको अच्छे से फिर से एक बार मिलाएंगे। तब तक हम लोग तेल को गरम करने के लिए रख दिया था, अभी तेल भी गरम हो गया है। पहला हमेशा हमको एक पकौड़े या एक चीज़ डाल के हमको चेक करना है कि ये कैसा हो रहा है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये अच्छा आ गया तो फिर हम लोग बाकी के सारे बैचेस डाल देंगे। अब देखिए, मैंने छोटे छोटे 3 उंगलियों से थोड़ा थोड़ा मैंने आटा लेके इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा बड़ा डालेंगे तो अंदर से नरम हो जाता है, इसके लिए एकदम थोड़ा छोटा छोटा 3 उंगली में जितना आता है उतना ही हमको ये आटा लेके डालना है, और हर एक आटे में थोड़ा गैप देने का है, तो तब तक ये पहला वाला जो डाला था हमने वो थोड़ा पक गया होता है, तो एक दूसरे को चिपकता नहीं है। देखिए, फर्स्ट बैच बन गया है, एकदम कलरफुल क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा फर्स्ट बैच बन के तैयार हो गया है। हम सेकेंड बैच पे एक बार देख लेते हैं। अब ये कॉर्न पकौड़ा बनाते समय पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी कभार वो स्वीट कॉर्न जो ठप करके छिड़कता है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। देखिए कितना आसानी से बन गया, एकदम क्रिस्पी, क्रंची, स्पाइसी स्वीट कॉर्न पकौड़ा लोनावाला स्टाइल में। आप भी ज़रूर ट्राई कर दीजिएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आ जाएगा। आजकल स्वीट कॉर्न्स तो बहुत अच्छा मिलता है, तो एक कभी भी हम लोगों मन चाहे तो बना सकते हैं। ये टिफ़िन में अच्छा रहता है, पार्टी में अच्छा रहता है। और ये थर्ड बैच में देखिए मैंने क्या किया है, उसमें से जो हरे मिर्च स्लिट करके रखी थी वो डाला है, ये इसके साथ साइड में बहुत अच्छा रहता है, आप भी ज़रूर ट्राई कर दीजिएगा। एक कॉर्न पकौड़े की रेसिपी आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।